उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत की जिनसे सीबीआई पूछताछ कर सकती है। कल ही दिल्ली के सफदरजंग थाने में एक युवती ने हरक सिंह रावत पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि आरोप है कि पिछले साल सितंबर महीने में दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में हरक सिंह रावत ने लॉ की छात्रा से छेड़छाड़ की थी और कल पुलिस ने उस लड़की का बयान दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है हरक सिंह रावत से। उत्तराखंड के कृषि मंत्री है हरक सिंह रावत, जिनसे दिल्ली पुलिस जल्द ही पूछताछ कर सकती है। कल युवती ने सफदरजंग थाने में केस दर्ज करवाया है खुद से छेड़छाड़ का। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ छेड़खानी और साथ ही साथ धमकाने का मुकदमा एक महिला ने दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि ये जो महिला है ये लॉ की पढ़ाई कर रही है। ये इस महिला ने आरोप लगाया है कि पिछले साल सितंबर में ग्रीन पार्क के अंदर जो हरक सिंह रावत का घर है वहाँ पर इस महिला को बुलाया गया और उसके बाद इसके साथ छेड़खानी की गई। उसकी कंप्लेंट के आधार पर उसके बयान दर्ज किए गए और बयान दर्ज करने के बाद हरक सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के मंत्री हैं उनके खिलाफ पुलिस ने 354 यानी कि छेड़खानी और साथ ही साथ 506 यानी कि धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और पुलिस का बोलना है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर जरूरत पड़ती है तो हरक सिंह रावत को भी सफदरजंग थाने में तलब किया जाएगा, उनसे इस पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कब उन्होंने छेड़खानी की, क्या पूरा वाक्य रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अभय पराशर, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और हमारे साथ अतुल जुड़ गए हैं देहरादून से फोनलाइन पर और जानकारी के साथ। अतुल, हरक सिंह रावत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, दिल्ली पुलिस जल्दी पूछताछ कर सकती है उनसे? देखिए, हरक सिंह रावत के लिए रिपोर्ट दर्ज करने के बाद खासी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि अभी तक वो कैमरे के सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो उनसे फोन पर जो बातचीत हुई है या जो उनके जो पीएस वगैरह हैं उनसे जो बातचीत हुई है उसमें जो हमें जानकारी मिली है उनका साफ कहना है कि उस लड़की ने उनसे संपर्क जरूर किया था और वो शायद हरिद्वार में कोई पट्टे की मांग कर रही थी। उनका ये भी कहना है कि उनके पास इस बात से भी सबूत है कि लड़की उनको ब्लैकमेल कर रही थी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर दिल्ली पुलिस उनको पूछताछ के लिए बुलाती है तो दिल्ली पुलिस को पूछताछ में वो क्या जानकारी देते हैं। अगर उनके पास कुछ ब्लैकमेलिंग के कुछ सबूत है तो क्या उन सबूतों को वो पेश कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है जी। और इस समय हमारे साथ अभय पराशर भी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अभय, कब तक करेगी दिल्ली पुलिस हरक सिंह रावत से पूछताछ? देखिए कंचन, पुलिस का है कि मामला दर्ज कर लिया है और मामला जिस तरीके से जो महिला ने जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि 22 तारीख को महिला ने कंप्लेंट दी थी, फिर जब ये महिला दोबारा थाने पहुंची इससे हमने बयान दर्ज कराया, उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस अभी उन पूरे तथ्यों को खंगाल रही है और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस कब तलब करेगी सफदरजंग एनक्लेव थाने के अंदर। पुलिस का बोलना है कि लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है हरक सिंह रावत से, कि क्योंकि ये जो महिला है ये रोहिणी में रह रही थी पिछले काफी टाइम से और लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी, और इसका ये भी बोलना है कि इसको नौकरी का झांसा देकर भी लगातार अपने पास बुलाया जाता था, हरक सिंह रावत ने इसे बुलाया था पिछले साल सितंबर में। तो अब देखना यह है कि पुलिस हालांकि बोल रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी कल एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और जब भी जरूरत पड़ेगी हरक सिंह रावत से पूछताछ के लिए हो सकता है दिल्ली पुलिस की टीम उत्तराखंड जाए, वहां पर उनसे पूछताछ करे और उन्हें दिल्ली भी कभी भी बुलाया जा सकता है, पूछताछ करेगी, दिल्ली भी बुलाया जा सकता है हरक सिंह रावत को। लेकिन अभय, एफआईआर कल दर्ज हुई है, इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई किस तरह से, किस दिशा में आगे बढ़ाई है? देखिए, जो महिला है इसने 22 तारीख को सफदरजंग थाने के अंदर कंप्लेंट दी थी कि पिछले साल सितंबर में जो हरक सिंह रावत का एक घर है ग्रीन पार्क के अंदर वहां पर उसके साथ छेड़खानी की, उसके बाद पुलिस ने 354 यानी कि छेड़खानी और साथ ही साथ 506 यानी धमकाना, धमकी देने का मामला दर्ज किया है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, पूरी तरह से पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अभय, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, साथ ही अतुल आपका भी शुक्रिया। बता दें कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं और इससे पहले वो राज्य में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के ताकतवर नेताओं में से एक हैं। राज्य में हरक सिंह मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार रह चुके हैं। बीजेपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हरक सिंह रावत बीएसपी से होते हुए कांग्रेस तक पहुंचे हैं। यूपी की कल्याण सिंह सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। साथ ही बता देंगे फिलहाल उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग सीट से विधायक हैं हरक सिंह रावत। इससे पहले भी हरक सिंह इस तरह के मामले से जुड़े रहे हैं और काफी विवाद उनके साथ बने रहे हैं। फिलहाल उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने हरक सिंह रावत का इस्तीफा मांगा है।
देखिए मैं इस विषय पे क्योंकि मुझे जानकारी भी नहीं है और क्योंकि मैं सुबह से काम में लगा हूँ विधायक, इसलिए मैं इस विषय पे मुझे अभी कोई जानकारी भी नहीं है और मैं मुझे इस पर काम करना